बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 8 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस सीरीज में हम कर रहे हैं बच्चों एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर नंबर 12। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप सभी बच्चे बने रहें। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो चलो चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की पावर माइनस 11 डिवाइड m की पावर माइनस 11, ठीक है, और इंटू 2 की पावर 5 और होल ब्रैकेट बना के पावर 0 दी हुई है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ कागज पर। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बच्चों, हमें करना है ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं लिख लेता हूं पहले, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ यहां पर m की पावर माइनस 11, ठीक है, डिवाइड का साइन है बीच में और m की पावर माइनस 11 और ये होल ब्रैकेट में गिवन है। यहां पर इनटू का साइन है, फिर 2 की पावर 5 और होल ब्रैकेट की पावर 0। यहाँ पर आइए करना शुरू करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर m की पावर माइनस 11 और डिवाइड है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू, और मैंने कई बार बताया है कि जब एक पावर इनसाइड हो एक आउटसाइड हो तो उनको पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यानी 2 की पावर 5 0 0 हो जाता है। आइए इसको आगे बढ़ा लेते। तो यहां पर देखो ये तो डिवाइड हो गया 1 पर, ठीक है, 1 इंटू, और जिस किसी भी बेस की पावर 0 होती है उसका आंसर होता है 1। तो 1 1 जा 1, ये आपका आंसर आ गया, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक बार रीड कर लेते हैं बच्चों, ये देखिए, राइट 125 की पावर है माइनस 3 इन द एक्सपोनेंशियल फ्रॉम बेस 5, ठीक है, बेस 5 मानकर हमें इसकी पावर निकालनी है, इसकी पावर होती कितनी है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं एक बार लिख लेता हूं इसको, राइट 125 की पावर माइनस 3 और इन द इन द एक्सपोनेंशियल, ठीक है बच्चों, यहां पर और है फॉर्म बेस 5, ठीक है, इस तरीके से। आइए देखो यहां पर 125 की पावर गिवन है माइनस 3, तो सबसे पहले तो इसकी पावर को प्लस में बनाओ, इसके नीचे 1 बना लेके आप इस बेस का रेसिप्रोकल कर दो, 125 की पावर कितनी आ गई अभी बच्चों, यहाँ पर 3 आ गई, इस तरीके से। अब देखो 1/125 की पावर लिखो पहले, 5 की पावर क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, और ब्रैकेट बना के ये 3 को बाहर लिखो, तो 1/5 की पावर, एक पावर इनसाइड एक पावर आउटसाइड, तो मल्टीप्लाई कर देना 9, तो पावर आ गई बच्चों 9, ठीक है यहाँ पर। अब आप कुछ बच्चे सोचेंगे कि 5 क्यों लिखा, यहाँ पर तो 125 था, यहाँ पर 5 क्यों लिखा, हम 125 के फैक्टर कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, तो 125 को हम 5 की पावर 3 की फॉर्म में लिख सकते, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आइए करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर पहले उसको रीड कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है। देखो सिंप्लीफाई, ठीक है, -4/3 की पावर 2 और फिर होल ब्रैकेट बना के पावर क्या लिखा है, 3 लिखा है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई, तो -4 की पावर है 3 और इसकी पावर दी हुई है बच्चों 2
और बिग ब्रैकेट बनाकर इसकी पावर दी हुई है 3, ठीक है, होल ब्रैकेट की पावर 3। तो यहाँ पर अगर हम इसको करना शुरू करें, देखो तो बेस तो माइनस में है ना, 2 है तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरीके से, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 3 तो 4 जाता है 16 और 3 जा 9 की पावर क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब आप इसको एक काम कर सकते हैं, इसको दोबारा फिर पावर में लिख सकते हैं, यानी 4 की पावर क्या आ गई यहाँ पर और ये 9, इसकी पावर आ गई बच्चों अब की बार 2, प्लस में आ गई और यहाँ पर आ गई 3। तो यहाँ पर 4/9, सॉरी यहाँ पर ये 3 है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, पावर 2 ले ली ना, तो ये 3 आ गया, तो 3। तो यहाँ पर बच्चों 4/3 मैंने लिख दिया है, तो 2 3 6, तो 6 आ गई। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं 4/3, 4 की पावर 6 और 3 की पावर 6, यहाँ पर इस तरीके से आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।